कैसे हैं सभी? उम्मीद है बढ़िया हैं और पढ़ रहे होंगे परीक्षा प्लस के साथ। इसके पहले की क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। बच्चों का जो चॉकलेट क्वेश्चन का आंसर आया उससे मुझे ये पता चल गया कि बच्चे कम से कम पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से देख रहे हैं और दूसरी बात उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी बात दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती है कि उसका पढ़ाया हुआ जो भी कुछ है वो बच्चों को एज इट इज समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं सफल हूं और मेरी सफलता के साथ आप भी एक दिन सफल होंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी कड़ी को लेकर हुए फिर से शुरुआत करते हैं दूसरे क्लास की परसेंटेज पे आधारित। जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो आपका चॉकलेट क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वो ऑप्शन बी था। तो जो चॉकलेट क्वेश्चन नहीं देखे हैं इससे पहले के लेक्चर में जाएं और चॉकलेट क्वेश्चन देखें, उसे लगाने की कोशिश करें और फिर उसका उत्तर दें, क्योंकि एक बात सभी को मालूम है, जो चॉकलेट क्वेश्चन नहीं करेगा मैथ उससे बुरा मान जाएगी और मैथ फिर कभी नहीं आएगी। तो फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचना आपको बता दें। ये सारा प्रोग्राम जो अभी लेखपाल का चल रहा है ये आपके किसके अंतर्गत, निशुल्क 10+ कोर्स के अंतर्गत पूरा कोर्स संचालित किया जा रहा है, जिसमें आपको डेली के वीडियोज मिलते हैं, PDF मिलते हैं और क्विजेज मिलते हैं। वीडियो आपका ऐप पे भी मिल जाता है और आपका YouTube पे भी मिल जाता है। PDF उन बच्चों को मिलता है जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं 499 का 3 मंथ के लिए, और क्विज सभी के लिए है। तो ओवरऑल वीडियो और क्विज सभी के लिए फ्री है और PDF के लिए एक छोटा सा शुल्क है 499 रुपए का, वो आपको केवल अदा करना है, वो भी पूरे के पूरे 3 महीने के लिए, जिसमें हर महीने कम से कम 150 से 200 PDF, मतलब महीने 3 महीने में 500 से 600 PDF टीम आपको प्रोवाइड करेगी। और ये PDF क्या होते हैं, अभी जो मैं क्लास कर रहा हूं इन्हीं क्लास का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो दिया जाएगा, जो क्लास सीट होगा वो दिया जाएगा, होमवर्क जो सीट होगी कि आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ मैथ में वो होगा, ऐसे ही रीजनिंग का, हिंदी का, GS का, ग्रामीण विकास का, सब कुछ, एक एक चीज बहुत अच्छे से नोट्स दिया जाता है। तो जो बच्चे अभी सब्सक्रिप्शन ना लिए हो PDF के लिए, नोट्स के लिए, वो सब्सक्रिप्शन ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, और परसेंटेज में बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में दूसरी क्लास, क्या कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे आज, क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखो, अगर मैं पूछूंगा कि क्या करना चाह रहे हैं तो आप बोलोगे गुरुजी हमें कोई ऐसी बूटी पिला दो कि हम एक बार पढ़ लें सब आ जाए, तो मैं बोलूंगा भैया ऐसा नहीं होना। क्यों? क्योंकि क्या है, मैथ है और मैथ का एक प्रोसीजर होता है, जितनी स्याही उतार दिए कॉपी में उतने ही ज्ञान आपके दिमाग में पहुंच गया। तो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और फिर कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे, फिर आपको हम अगली क्लास और पिछली क्लास को भी याद दिलाते रहेंगे। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी कम प्राप्त होगा, उपभोक्ता को कितने प्रतिशत चीनी कम प्राप्त होगा, है ना। अभी समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई अगर कोई चीज बढ़ रही है, दाम बढ़ रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, पहले 20 रुपए पर केजी था, अभी 25 रुपए पर केजी है, आप 100 रुपए में पहले की अपेक्षा कम पाओगे कि नहीं पाओगे? बस सेम क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में, वो चाहे UPSC की कोई परीक्षा हो, चाहे आपके UP के पुलिस भर्ती बोर्ड की कोई परीक्षा हो, या आपके अन्य किसी विभिन्न केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षा से ये प्रश्न आपको जरूर मिलता है कि इतना परसेंट आपका दाम बढ़ गया है, इतना परसेंट दाम कम हो गया है, कितना कम कर दिया जाए कि हमें कोई फर्क ना पड़े। और ये क्वेश्चन भी वही है, लेकिन इससे करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम पिछले ही क्लास में शुरुआत कर दिए थे। याद करिए वो लास्ट क्वेश्चन जब हम बात कर रहे थे, एक आपको क्वेश्चन मिला था जिसमें सिमिलर क्वेश्चन था कि ए बी से इतने प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो कि कोई ज्यादा हो तो उसे कम करना है, या कोई ज्यादा हो तो कम पता करना है, या कम हो तो ज्यादा पता करना है, तो वहां पर ऐसे सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो देखते हैं इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में पार्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूं, और बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी दो नंबर N1 और N2, अभी बोलेंगे मैथ में N1 N2 कहां गया, N1 N2 कहीं भी आ सकता है, मैथ की जड़ है ये।
अगर ये इन दोनों का गुणा प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट जानते होंगे ना, निर्धारित है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी कर लो, इन दोनों का गुणा कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझिएगा, 20 गुणे 5 क्या मिलता है आपको, 100। 20 गुणे 5 क्या मिलता है, 100 मिलता है। अगर मैं 20 को 25 कर दूं तो ये 100 प्राप्त करने के लिए मुझे 5 को घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए भाई, 5 को घटाना पड़ेगा, और 5 को हम क्या घटाएंगे, यहां पे 4 कर देंगे। तो यही तो प्रश्न है, बोल रहा है कि अगर चीनी 20% से बढ़ गई, या ऐसे समझिए कि किसी का दाम 20 से 25 हो गया, तो कितना कम कर दिया जाए कि कुल खर्चे पे कोई फर्क ही ना पड़े। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन लगाते चलना है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि इसे अगर लगाते तो हम कैसे लगाते। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। इससे मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तुम रियल एग्जांपल से, रियल एग्जांपल से जब समझ में आएगा तब हम इस पे थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा जितना आसान हो सकता है, जितना समय बचा सकते हैं, क्योंकि मैथ आपको सीखनी है तो चोरी आपको सीखनी पड़ेगी। चोरी किसकी, समय की। आप जितना समय बचा ले जाएंगे आपकी मैथ उतनी अच्छी हो जाएगी। और एक बात और दिमाग में रखिएगा, जब भी आप मैथ पढ़ रहे हो तो पहली बात तो कॉपी पेन उठा के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ना है, और दूसरी बात ऐसा फील करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे तो आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है, कभी आप इसे फील किए हो नहीं फील किए हो, 2 घंटे में इतना कुछ सोच जाते हो जो आप जिंदगी में नहीं सोचे होते हो। बस यही यहां पे भी करना है, एग्जामिनेशन हॉल वाली फीलिंग लेके आना है, क्योंकि हमें समय बचाना है। तो चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। अभी मैं समझो, अगर चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया रहा हो, 100 रुपया रहा हो और 25% बढ़ जाएगा, तो 100 का 25% कितना, 25 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125। दाम इतना बढ़ गया। अभी सपोज करिए कि आप जो भी हो, पहले 5 किलोग्राम चीनी लेते थे, है ना, पहले 5 किलोग्राम चीनी लेते थे। अब आप थोड़ा सीन समझिए, सुबह सुबह आप उठे और जब चाय बनाना हुआ मम्मी को, तो क्या हुआ, उनके किचन में चीनी खत्म थी, तो उन्होंने आपसे बोला कि बेटा रिंकू जाओ दुकान से चीनी ले आओ। चीनी लाने के लिए आपको उन्होंने क्या किया, 1000 रुपए दिए। समझिएगा बात को, मम्मी थोड़ा ज्यादा धनी है इसलिए आपको 1000 दिए, बहुत ज्यादा खुश मत होइएगा। 1000 रुपए आपको दी क्या लाने के लिए, चीनी। अभी जब ये दाम 100 था तो मम्मी को ये दाम पता था कि 100 रुपए प्रति केजी है, तो उन्होंने 1000 रुपए दिए, और वो क्या सपना देख रही हैं कि उनका बेटा कितने किलो चीनी लेके आएगा, 10 किलो चीनी लेके आएगा। क्यों, जब 10 को 100 से गुणा करोगे तभी तो 1000 आएगा रुपया। 1000 रुपया वो दी थी कि आप 10 किलो चीनी लेके आओगे। लेकिन जब आप दुकान पे पहुंचे, तो वहां पे पता चला कि उसका दाम 100 ना होके क्या हो गया है, 125 हो गया है। और अगर 125 हो गया है तो अभी आपको चीनी ज्यादा मिलेगी कम, चीनी आपको कम मिलेगी, और आप उस 1000 रुपए में कितने चीनी लेके आओगे, 8 किलोग्राम। बस यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर दाम 25% बढ़ जाए तो कितना कम कर दिया जाए कि उसके कुल उपयोग पे कोई फर्क ना पड़े, या ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, व्यय मतलब क्या, 1000 रुपए में ही, वो व्यय अभी भी 1000 रुपए कर रहा है, कितने प्रतिशत चीनी कम प्राप्त करेगा। तो पहले 10 पाता था, अभी 8 पाएगा, कितना कम पा रहा है, 2, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के। अगर गुणा 100 कर दें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कितना कम पाएगा, 20% कम पाएगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। समझ में आई बात, एकदम समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आई तो फिर से पीछे जाइए और देखिए, वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी, लेकिन मैं इसके आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आपका समय बचाऊंगा। तो समय बचाना हो तो सीख जाइए फिर से ये पूरा तरीका, मैं इसे थोड़ा करता हूं इरेज। अभी देखिएगा कितने सेकंडों में आप ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहली बात आपको दिमाग में याद रखनी है कि जब दो चीजों का गुणा होता है और उसका रिजल्ट कांस्टेंट होता है, तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, और दूसरी चीज घट रही है तो पहली चीज क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ गई आपको, पहली चीज क्या होगी, बढ़ेगी।
तो बस यहीं पे लगाना है। अब हम इसे करेंगे कैसे, मैं पहले करके दिखाऊंगा फिर समझाऊंगा। मुझे अगर इसे करना होता एग्जाम हॉल में तो मैं यहाँ पे लिखता 100, यहाँ पे लिखता 125 और यहाँ पे फिर उसको पलट देता 125 और यहाँ पे लिख देता 100। इस वाली लाइन को मैं पलट दिया तो 125 इधर आ गया, 100 इधर आ गया, ऐसे देखिए है ना। इस लाइन को मैंने पलट दिया तो 125 यहां आ गया, 100 यहां आ गया। मैं इन दोनों के बीच का अंतर देख लूंगा, अंतर मुझे दिख रहा है 25 और नीचे हम इसका लिख दूंगा, नीचे आ जाएगा 125 गुणे 100। और जैसे मैं ये सॉल्व करूंगा मेरा उत्तर आ जाएगा 25 पंचे 125 और 5 20 बार जाएगा, क्या जाएगा उत्तर 20%। आपका वही रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं थी, आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं थी, आपको मम्मी द्वारा 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ आप केवल 2 से 3 सेकंड में लगा लेंगे और अगर आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो यकीन मानिए आप 125 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 25/125 गुणे 100 और सीधा आपका 20% आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा और आलसी होंगे, थोड़ा दिमाग और चला लेंगे तो आप और जल्दी निकाल लेंगे, सीधा देखेंगे अंतर तो 25 का ही पड़ने वाला है और जो बढ़ रहा है वो घट रहा है, 125 गुणे 100 करेंगे और आपका 20% आ जाएगा। तो ये इतना जल्दी तब कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्लास की सीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो होमवर्क में दी जाती है, जो आपको अगले दिन दी जाती है, उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब एक टॉपिक पे कम से कम 30 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पूरे चैप्टर में कम से कम नहीं तो 150 से 200 क्वेश्चन, तब जाके मैथ आने वाली है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को ए से 20% कम अंक मिले, वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने पिछली क्लास में किया था। बी को ए से 20% कम अंक मिले, कम मिल रहा है ध्यान देना। ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक मिले, अभी देखिए यहां पे मैं लिखूंगा 100। क्यों 100 लिखूंगा, जब भी आपका कोई भी है कुछ भी पूछे आप उसे 100 मान सकते हो। परसेंटेज के चैप्टर में जब आप एकदम माइंड आपका ब्लैंक हो जाए तब आप चीजों को 100 मान लो, बस वही है। अगर 100 था और 20% कम मिला है, अभी समझिए बी को ए से 20% कम मिला है, तो अगर ये ए है तो बी को कितना मिलेगा, 80, यही तो कह रहा है। बी को ए से 20% कम मिल रहा है तो इसे 80 मिलेगा, इसका 20% कम मिलेगा। हम इसे पलट देंगे 80 और इसे कर देंगे 100, अंतर कितने का आएगा 20, नीचे क्या आएगा 80 गुणे 100 और आपका उत्तर आ जाएगा 25%। आप ऑप्शन में ढूंढोगे और फटाक से ऑप्शन ए आप टिक मार दोगे। कितना आसान है, कितना आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि हमने यहां पर कॉन्सेप्ट लगा लिया। अभी कॉन्सेप्ट आप समझो, क्योंकि दो नंबर का गुणा क्या था, कॉन्स्टेंट था। तो अगर हम यहां पे 100 लिख रहे थे, यहां पे 80 लिख रहे थे, अभी हमें दोनों को बराबर करने के लिए यहां पे 80 लिख दूं, यहां पे 100 लिख दूं, तो ये भी 800 हो जाए, ये भी 8000 हो जाए और ये भी 8000 हो जाए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका भी रिजल्ट 8000 आएगा और इसका भी रिजल्ट 8000 आएगा और ये तो वही तो बात हो गई, दो चीज का गुणा क्या हो जा रहा है, कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। इसे एक तरीके से आप और समझने की कोशिश करिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। टोटल खर्चा आपका कैसे आता है, टोटल जो कंजप्शन होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चा, आप कितना यूज करते हो, आपका यूज कितना है जिसे आप कंजप्शन भी बोलते हो, उपभोग भी बोलते हो, और उसकी प्राइस क्या है। जैसे 10 रुपए का कोई सामान और 2 किलोग्राम यूज कर रहे हो तो क्या होगा, टोटल खर्चा कितना आएगा 20। 2 किलो यूज कर रहे हो, प्राइस 1 केजी की 10 है तो टोटल खर्चा कितना आएगा 20। और इसी को जब कांस्टेंट करना था तो एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या करना पड़ेगा, घटाना। और जब जब यहां पे ऐसे प्रश्न आएगा तब तक हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 मिनट वीडियो पॉज करिए, मिनट में वही सेकंड में पॉज करिए और लगाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। लग जाए तो समझ लीजिए कि समझ में आ गया, नहीं लग रहा है तो फिर से देखिए। लगाने की कोशिश करते हैं, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत, ये दो बार लिख गया है, दो राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। सेम वाली बात आ गई, दो नंबर N1 है और N2 है ना। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, ये जो है मान के चलो कि ये 30% क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर 30% कम हो गई तो इसे क्या करना पड़ेगा भाई, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो बस वही मान लो 100 थी, कम होके हो गई 70, उलट दो इधर हो जाएगा 100। एक मिनट, यहां पे हो जाएगा 100।
तो अंतर कितने का है 30 का और नीचे क्या आएगा 70। ध्यान रखिएगा हमेशा ये वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं, हमेशा ये वाली वैल्यू जो पलट के लगाते हैं ये होता है इसी नीचे लिखते हैं। तो 30/70 × 100 और इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर 00 कट कर दो आप 300/7 और 300/7 को करो तो कितना आ जाएगा 7 × 28 = 20 × 7 = 14 = 42 के पास में कौन सा उत्तर है यही आ जाएगा 42 सही 6/7 आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% की कमी की जाए तो त्रिभुज के आधार को कितना बढ़ा दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, त्रिभुज की बात कर रहा है, ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो क्या कुछ और कॉन्सेप्ट लग सकता है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, लगाने की कोशिश करिए, उत्तर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आता है तो यहाँ पे समझिए। लेकिन समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा, क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो है 2D फिगर का परसेंट के साथ रिलेशन। 2D फिगर का परसेंट के साथ क्या रिलेशन है समझिएगा, जो भी 2D इवन 3D में भी होता है लेकिन ये 2D का फिगर है तो मैं 2D का ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब 3D का फिगर आएगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट उसे बताऊंगा। 2D के फिगर में 2D फिगर होते कौन कौन से, आपका वृत्त होता है, आपका स्क्वायर होता है, वर्ग, आपका आयत होता है रेक्टेंगल, आपका ट्रायंगल होता है त्रिभुज, त्रिभुज पे ही क्वेश्चन है। ये हमारे कुछ 2D फिगर है, बहुत सारे होते हैं ऐसा नहीं है, रोम्बस वोम्बस सब कुछ होता है, लेकिन ये 4 मेन फिगर है जिन पे प्रश्न बनते हैं परसेंटेज से। ये 2D होते हैं, 2D मतलब क्या, डी मतलब क्या डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीमाएं, 2 बीमाएं कौन सी, अभी समझिए। यहाँ पे बीमाओं की बात करूं तो आप बोलेंगे एक ये साइड एक ये साइड, यहाँ पे बात करूंगा तो बोलेंगे आप लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे बोलूंगा तो आप बोलेंगे हाइट और यहाँ पे बेस, यहाँ पे 2 बीमाएं कौन सी, यहाँ पे आपको रेडियस मिलता है ना, लेकिन क्योंकि इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है तो ये आर 2 बार यूज हो रहा है इसलिए 2D। इसे जब हम ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे इतना समझते हैं कि वृत्त भी क्या होता है 2D फिगर होता है। सिमिलरली ये सब है। अब अगर 2D फिगर की बात कर रहा है तो उनके क्या बात कर रहा है, उनके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो आप जान रहे हो कि एरिया 2 चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे स्क्वायर में a × a, आयत में लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्रेंगल में 1/2 × बेस × हाइट और वृत्त में πr² या आर स्क्वायर जैसा भी आप लिख पाए। ये हमारे जो 4 मेन फिगर है उनका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अभी यहाँ पे भी 2 चीज गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी 2 चीज गुणा हो रहा है, ये 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये भी 2 का गुणा हो रहा है, और ये पाई कांस्टेंट है तो आर का भी 2 बार गुणा हो रहा है। तो जैसे ही 2 चीज का गुणा होगा और 1 चीज बढ़ेगा तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा क्षेत्रफल को रखने के लिए समान। तो वही तो बोल रहा है कि कमी की जाए तो त्रिभुज के आधार को कितना बढ़ा दे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सिमिलर क्वेश्चन, तो भैया परसेंटेज में वो चाहे आप उसे क्या पूछे, परसेंटेज में अगर आप उसे 2D फिगर का एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे, कोई एक डायमेंशन बढ़ाया जाए तो दूसरे को घटाया जाए, या दूसरे को घटाया जाए और पहले को बढ़ाना हो, तो हमेशा क्या यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। और कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है, जितना समय आप कॉन्सेप्ट समझने में लगा दोगे उत्तर आपका उतना ही जल्दी आ जाएगा। नहीं विश्वास पड़ रहा है तो देख लीजिए कितना किया या कम किया जा रहा है 40%। पहले आपको क्या लिखना है, सीखते जाइए 100, और यहाँ पे दूसरी साइड में आपको क्या लिखना है, जो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 40 कम हो रहा है, तो 100 में 40 कम होगा तो कितना बचेगा 60, 100 में 40 जाएगा तो 60 बचेगा, दोबारा हम इसे 60 इसको 100 लिख देंगे, पलट देंगे, अंतर कितना बच रहा है 40 का बटे क्या हो जाएगा 60, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणे 100। मुझे बार बार ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि गुणा 100 क्यों कर रहे हैं, भैया अभी कल बताए हैं कि जब परसेंट लगाना होगा तो गुणे 100 करोगे, परसेंट को हटाना होगा तो भाग करो उसके 100 से, तो अभी हमें परसेंट लगाना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, किसमें इसके अंतर बटे ये, तो 40/60 × 100 उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसे काटो तो 2/3 यानी 200/3, और रटी रटाई ये वैल्यू तो रट जानी चाहिए, जब जब 200/3 आए तो आंख बंद करके 66 सही 2/3 आप उत्तर दे दो। परसेंटेज में मैंने टेबल भी बनवाया था अभी पिछले क्लास में, उसे आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और घर पे ये प्रैक्टिस करना है, घर पे जितना आप अभ्यास कर लोगे, जितना पेन रगड़ डालोगे ना, जिंदगी उतनी ही हसीन हो जानी है।
भाई जितना पढ़ोगे उतनी जल्दी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, बीवी आएगी, बीवी आएगी, लोग आएंगे, मतलब कुल मिला के सब कुछ मजेदार ही है नौकरी मिलने के बाद, उससे पहले सब बेकार ही है, एकदम चार पैसे के भी आदमी नहीं रह जाओगे। तो दो 200/3 ये प्रतिशत रहेगा, इसका उत्तर आ जाएगा 66.66 या 66 सही 2/3, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं दूसरे पे, प्रैक्टिस करते रहो भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तेल की कीमत 40% बढ़ जाने से 5 सदस्यों के एक परिवार को कुल उपयोग कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि कुल खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक बात तो हमें समझ में आ गई, हम चौथे से पांचवें प्रश्न पे आ गए हैं और एक बात समझ में आ गई है, और अभी भी जिसे समझ में ना आई हो ना भाई, वो थोड़ा सा तो दिमाग लगा के बैठो, इधर उधर मत देखो, लेक्चर देखो, बहुत अच्छे से लेक्चर देखो, सबको समझ में आ जाएगा। पांचवें इसमें भी वही कह रहा है कि कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े मतलब दो चीजों का गुणा कांस्टेंट रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ये वाला आएगा। 100 तो पहले लिख लोगे, बाद में जो मन होगा वो लिखोगे, मन ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मन मन यहां से हमें जज करना पड़ेगा। तेल की कीमत 40% बढ़ जाने से अपने मन से लिख दोगे तो मैथ बुरा नहीं मान जाएगी, और मैथ बुरा मान जाएगी तो जानती हो कभी नहीं आएगी। तेल की कीमत 40% बढ़ जाने पर बढ़ रहा है तो 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140। कम होता तो हम कम करते, बढ़ रहा है तो हम बढ़ाएंगे, कम होता तो यहाँ पे क्या लिखते बताओ, अगर 40 कम हो रहा होता, यहाँ पे 40 कम हो रहा होता तो बताओ भाई, अरे बोलो तो जोर से, तो यहाँ पे कितना आता 60। अच्छा सोच रहे होगे गुरुजी बोल रहे बोलो जोर से, हम पागल पागल ही बन जाओ दो मिनट के लिए, बोल लोगे आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा, लोग पागल बोले बोलने दो, है ना, समझ में आना चाहिए। तो 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, जब 40 कम करने की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है तो 100 से कितना जाएगा 140 जाएगा, और 100 से 140 जाएगा तो ये 140 से क्या हो जाएगा 100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है पलट दो, तो हमने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा, आज नहीं मानोगे तो 2 साल बाद मानना पड़ेगा। 140 100, ये 40 अंतर, ये ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर इसका अंतर लिखते हैं, इसका अंतर लिखते हैं, जो अभी भी नहीं समझ पाए हो तो 40 और नीचे क्या, ये हमेशा ये वाली वैल्यू क्या है 140 × 100 2/7 यानी कि 200/7, और 200/7 यहाँ पे कौन सा आएगा, नीचे 7 तो सब में दिख रहा है ना, ये लिखा है 21 सही 2/7 ऐसा लिखा है, ये 28 सही 4/7 ऐसा लिखा है, समझते हुए चलिएगा, है ना, 21 सही 2/7, 28 सही 4/7, 22 सही 3/7 और 28 सही 3/7 हम इसे लगाते हैं, कितना जाएगा 7 × 14 = 660, 7 × 8 = 56, 28 के करीब में कोई है, यही आ जाएगा, नहीं 28 सही 4/7 और 28 सही 3/7 होना चाहिए, ये 28 सही 3/7 हम देख लेते हैं कौन सा है, 8 × 56 4 बचेगा यानी 4/7, तो 4/7 यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन सामने है पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज का दाम एक कुर्सी के दाम का 1.5 गुना है, एक मेज का दाम एक कुर्सी के दाम का 1.5 गुना है, यदि 6 कुर्सी एवं 6 मेज का कुल दाम 4200 रुपए है तो कुर्सी का दाम मेज के दाम से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन समझ में आया, इतना जल्दी तो नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी नहीं समझ में आया तो आपको किस समझ में आएगा, तो फिर से पढ़ लो, कोई इतना जल्दबाजी नहीं है। 1.5 गुना बोल रहा है क्या, मेज जो टेबल है, टेबल मतलब क्या, मेज किससे, चेयर से कितना गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा है। अभी मैंने कल ही बताया था, बताया क्या था मैंने, मैंने बताया था कि जब जब गुना होता है और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 1 गुना तो 100%, 2 गुना 200%, और 1.5 गुना तो कितना हो जाएगा 150%। तो अगर जो मेज है वो चेयर का 1.5 गुना है, इसका मतलब क्या 150% है उसका, तो ज्यादा कितना है 50%। इसमें केवल इतना सा दिमाग लगाना था बस। अच्छा जो ज्यादा होशियार होंगे वो और भी दिमाग लगा ले जाएंगे, मैं ज्यादा होशियारों की बात नहीं करता हूँ, उनसे थोड़ा डर लगता है मुझे, ज्यादा दिमाग अभी बताऊंगा ज्यादा दिमाग वाले क्या करते हैं, लेकिन पहले जो हम लोग कम दिमाग वाले उसे कर लेते हैं ताकि समझ में आए। तो हमें एक बात समझ में आ गया, यहां से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर ये मेज जो है चेयर से
चेयर का 1.5 गुना है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया टेबल जो है वो चेयर से 50% ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो ये हमने एक माना 100, दूसरा माना 150, 50 ज्यादा होगा तो 150 ही तो आएगा, तो हम इसे पलट लेंगे, 150 और 100 अंतर कितने का? 50 का। नीचे क्या आएगा? 150। नीचे क्या आएगा? 150, ये वाली वैल्यू, और गुणे 100% लगाने के लिए तो कितना आ जाएगा? 33.33% इसका उत्तर आ जाएगा। अभी आप बोलोगे गुरुजी ये 6 कुर्सी 6 मेज का जो कुलदाम दिया था ये क्यों दिया था? तो ये उन्हीं के लिए दिया था जिनकी अभी बात कर रहा हूँ। कुछ महानुभाव जो होते हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो कहते नहीं प्रश्न में लिखा है तो अब हमारा अधिकार बन गया, हमारा कर्तव्य बन गया है कि इसका भी यूज किया जाए। जिंदगी के सारे कर्तव्य भूल जाते हैं, यहाँ पे कर्तव्य निभाने लगते हैं। जरूरत नहीं है भैया उसकी, जो हमारा यही से उत्तर आ जा रहा है, यही तो आपको अपना दिमाग चेक करना है, यही तो मैथ है। मैथ कहती है दिमाग लगाओ, मैथ क्या कहती है? दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे तो मैथ नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन की खूबसूरती देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फंडा क्लियर होता जाएगा, और जैसे जैसे फंडा क्लियर होता जाएगा हमें उतना ही मजा आएगा, और जैसे जैसे मजा आएगा उतनी ही मेहनत आएगी, और जितनी मेहनत आएगी उतना करीब आप सफलता के जाओगे। तो सफलता के करीब जाना है तो पहला वाला बात अपना लेना। रोहित विजय को एक पुरानी कार 25% फायदे पर बेचता है। कितने फायदे पे? 25% पे। कोई मुझसे ये मत कहना फायदा नुकसान वाली बात परसेंटेज में कहा, हाँ समझदार हो। यदि विजय को वह कार रोहित के लागत मूल्य पर बेचनी पड़े तो विजय को कितने प्रतिशत का घाटा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ। एक भाई साहब रोहित हैं, ये मैं बोलूँगा हिंदी में, लिखूंगा अंग्रेजी में, और उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। रोहित विजय अभी वो कुछ क्रय विक्रय किए, भले प्रॉफिट लॉस जैसा दिख रहा है लेकिन सब कुछ परसेंटेज है, सब कुछ यही कॉन्सेप्ट है जो आप सीखते आ रहे हो। रोहित विजय को कोई चीज 25% फायदे में बेचता है, मान लो 100 का सामान हो तो वो कितने में बेच देगा? 125 में। अब क्या कह रहा है कि विजय को वह कार रोहित के लागत मूल्य पर बेचनी हो, मतलब रोहित की लागत मूल्य कितनी थी? 100, और इस पे बेचनी हो तो उसे कितना घाटा होगा? तो कहने का मतलब जब 125 में खरीदा 100 में बेचेगा तो घाटा होगा ही। तो ये क्वेश्चन भी वही है, हम चले गए हैं 100 से 125 और लौट के आना है हमें फिर से 125 से 100। जैसे हमारा दाम बढ़ जाता था चीनी का तो हम उसे पीछे लेके आना पड़ता था, किसे? उपयोग को, ताकि हमारा रिजल्ट सेम रहे। ऐसे ये बढ़ गया है, इसे फिर से पीछे लेके आना है ताकि रिजल्ट जीरो हो। तो अभी देखो यहाँ पे पलट दोगे तो ये 125 और ये 100, अंतर कितने का? आप तो समझदार हो, साथ में बोलते रहो, 25/125 गुणे 100। नीचे क्या आएगा हमेशा? ये वाला। ऊपर क्या रहेगा? अंतर इन दोनों का। 25/125 गुणे 100, ये 5 बार जाएगा और उसे कितना करेगा? 20% आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब जब समझ में आए तो कमेंट में बता दिया करो समझ में आ रहा है, जितने क्वेश्चन उतनी बार बोल दिया करो समझ में आ गया, मजा आ जाएगा, समझ के चलिए एकदम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है किंतु एक व्यक्ति चाहता है कि उसके कुल व्यय में मात्र 22% खर्च आए, तो उसे खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? देखो बेटा प्रश्न बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि कैलकुलेशन वाले प्रश्न में क्यों डाला हूं? क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो? UPSSC की। UPSSC की तैयारी कर लो तो पेपर कौन करा रहा है? TCS करा रहा है। TCS की आदत क्या पड़ गई है? कैलकुलेटिव प्रश्न देने की। तो कैलकुलेशन से भगोगे तो मैथ बुरा मान जाएगी, और मैथ बुरा मान जाएगी तो आगे होशियार हो। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है किंतु व्यक्ति चाहता है उसके कुल व्यय में मात्र 22% का खर्च हो। एक बार वीडियो पॉज करो, लगाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ये प्रश्न बिना बताए लगा ले गए ना तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यकीन मानो आप आना ही मत पढ़ने दोबारा, एकदम फिर आप समझ लो कि पूरा परसेंटेज सीख गए हो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं आती तो बार बार देखो, बिना देखे जान भी नहीं पाओगे और दुनिया में कोई बता भी नहीं पाएगा इतना बढ़िया प्रश्न इतने आसान तरीके से। लेकिन मैं बताता हूँ, पहले इसको मैं आसान तरीके से बताऊंगा, फिर मैं इसका कठिन तरीका बताऊंगा, ताकि आप बोलो कठिन वाला बता क्यों रहे हो, तभी तो मजा आएगा। तो समझिए,
हम इसे लगाते हैं। लगाने के लिए वही 28% बढ़ जाता है, तो शुरुआत को हम करेंगे 100 से और यहाँ पे जाएंगे 128। 28 बढ़ रहा है तो 100 में 28 जुड़ेगा तो कितना 128। आप क्या करोगे 128 और यहाँ पे 100 और लिख दोगे 28 क्योंकि अंतर, बटे 128 गुणे 100 और उसके बाद ऑप्शन में अपना आंसर ढूंढोगे और कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा और आप टिक मार के चले जाओगे, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम हॉल से जब निकलोगे तब तो बड़ा मजा आएगा कि अरे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए, तो जब आप घर पे आओगे मिलाना शुरू करोगे, एक क्वेश्चन गलत और मिलाओगे, दो क्वेश्चन गलत और मिलाओगे, तीन क्वेश्चन गलत, जैसे जैसे मिलाते चलोगे समझ में आएगा यार पेपर बेकार हो गया, अब मिलाना ही नहीं। ऐसा कितनों के साथ होता है, सभी के साथ होता है कि नहीं होता है? क्लास से बाहर निकलते लगता है पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और जब घर आते मिलाने लगते हो ना तो एक एक गलत निकलने लगता है, फिर पूछने लगते हो कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो चलिए वो बात एक अलग है, ऐसी गलतियां नहीं करना है। ये सिचुएशन तब बनती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, एक बात समझिए, मैथ मतलब कॉन्सेप्ट, मैथ मतलब प्रैक्टिकल मैथ, मैथ मतलब कि आपको उसकी बेसिक कितनी क्लियर है। और एक बात मैं आपको और समझा दूं, अगर मैथ पढ़ने आए हो तो बेसिक का मतलब एक्स प्लस वाई वाला नहीं होता, ये बेसिक नहीं होती, बेसिक मतलब आपकी थिंकिंग, आपको समझ में आना चाहिए, आपको विजुलाइज होना चाहिए कि चीनी का दाम बढ़ा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए यार मैं जाऊंगा चीनी लेने तो मेरा दाम इतना बढ़ जाएगा। समझिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, कभी आप सब्जी लेने गए हो, सब्जी लेने गए हो ना, जाते हो गए यार, अभी लॉकडाउन है भले ही, लेकिन सब्जी लेने जाते हो गए, तो ठेले पे जब खड़े होते हो गए तो मान के चलो कि ऐसे बोलते 100 ग्राम ये दे दो, 100 ग्राम ये दे दो, 100 ग्राम ये दे दो, पूछते हो भैया भाव कितना है, बोलता है कि 70 रुपए किलो, और आप 100 ग्राम मांगते हो 150 ग्राम मांगते हो, अब 150 बोला 70 रुपए किलो और 150 ग्राम आपको तौलवाना है, आप सोच में खड़े हो जाते हो कि भैया इसका दाम क्या होगा, जबकि जो सब्जी वाला होता है वो आपसे पहले बता देता है सब जोड़ के कि इसका दाम इतना हुआ, पर आप रहे हो कंपटीशन की तैयारी, आप कर रहे हो आईएएस पीसीएस और मार्केटिंग इंस्पेक्टर आपको बनना है, लेखपाल आपको बनना है, लेकिन वो जो ठेले वाला है उसकी गणित आपसे तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि वो एक्स वाई मेथड नहीं जानता, उसकी बेसिक क्लियर है अपने धंधे की, उसे मालूम है कि अगर 1 किलो का इतना तो 100 ग्राम का कितना, तो 150 ग्राम का कितना, इसलिए वो आपसे तेज कैलकुलेट करके दे देता है ना। यकीन मानना, यकीन में आए तो कल सब्जी लेके आना, समझ जाओगे। तो इस प्रश्न पे आते हैं, 100 से 128 गलत कहाँ हुआ, ये गलत कहाँ हुआ मैं सब समझाता हूँ आपको, गलत यहाँ हुआ। अब इस क्वेश्चन की आत्मा में घुसते हैं, इस क्वेश्चन की आत्मा क्या कह रही है समझने की कोशिश करिएगा। आत्मा कह रही है कि 28% तो बढ़ गया है, लेकिन वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि उसके ऊपर फर्क पड़े, ऐसा नहीं है, वो मान रहा है कि भैया दाम बढ़ा है तो झेलना सबको पड़ेगा, झेलना पड़ेगा तो हमें भी झेलना पड़ेगा, लेकिन काश ऐसा कुछ हो जाता कि जो 28 रुपया बढ़ा है मुझे पूरा 28 ना देना पड़ता, कितना देना पड़ता, 22 ही देना पड़ता। समझ में आ रहा है? जैसे आप बोलते हो सर 400 मत दाम लगाइए, कुछ डिस्काउंट कर दीजिए, डिस्काउंट होता नहीं है वैसे। तो 100 का दाम था 128 हो गया, 28% बढ़ा तो उसे 128 पड़ेगा, लेकिन वो चाहता है कि 100 से उसे कुल कितना पड़े, 122 ही पड़े। तो आप 100 से तो 128 आए थे, लेकिन वो फिर से 128 से, हाँ फिर से 128 से 100 पे लाने की बात नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक मिनट, वो फिर से 128 से 100 पे लाने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है भैया 128 हो गया तो हो गया, मुझे कितना कर दो, 122 कर दो। तो बस यही सिचुएशन लगेगा, इसे पलट के लिख लो और ये 128 यहां आ जाएगा और कम कितना करना है, 122। समझ में आया? जो आप इसे पलट देते थे इस 100 की जगह पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उसे 22% इंक्रीमेंट चाहिए, तो अंतर कितने का, 6 का, नीचे कौन सी वैल्यू, ये गुणे 100। बात समझ में आ गई? इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 तिहाई 6, ये 2 6 12 64, 3/64, 300/64, एक बार सॉल्व करके देख लो कौन सी वैल्यू आएगी। अच्छा पूछा लगभग, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आपसे वो क्या करवाएगा, कैलकुलेशन करवाएगा, तो 300/64 आपके पास तरीके हैं, दो तरीके कौन से हैं, या तो आप अपने स्कूल वाले मेथड की तरह ऐसे 64 लिखो, ऐसे 300 लिखो और सॉल्व करो, अपना समय गवाओ, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
4.9, 5.3, 4.7, 5.1 कुछ अप्रोक्सीमेशन मान लो। इसे अगर 65 मान ले 64 की जगह तो 5-5 कट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 60 और यहाँ पे कितना जाएगा 13-5-65 है ना, 5-6-30 और 0-60 और नीचे आएगा 13। तो जाहिर सी बात है 5 के ऊपर तो नहीं जाएगा 13, क्योंकि 5-65 चला जाएगा, तो 4 के करीब आएगा और 4 की कौन सी वैल्यू जाएगा 13-6-42 कितना जाएगा 8-50 और 10-18, 180 तो 13 फिर कितना बचा जाएगा, तो लगभग ये 4.7 के करीब जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए जब मैं बोल रहा हूँ कि जब जब आपको ऐसा प्रश्न आएगा जहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़े तो आपको कैलकुलेशन से भागना नहीं होगा, आपको उसे लगाना पड़ेगा, लगाएंगे नहीं तो मैथ गुस्सा आ जाएगी। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है तो उसे कितने प्रतिशत खरीदे जाने वाले पेट्रोल पूर्णांक के करीब को कम करना चाहिए। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, इसे थोड़ा जल्दी से लगाते हैं। यहाँ पे 19% बढ़ गया है तो कितना 119, लेकिन उसे 119 से कितना कम करना है, कहाँ तक जाना है 12% ही, तो 112। यहाँ पे अंतर कितने का 7/2 कितना हो जाएगा 119 × 100, ये आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर से पूर्णांक के करीब लगभग वैल्यू पूछा है तो आप इसे सॉल्व कर लो, इसे 119 को 120 बना लो, तो 7/120 × 100, बात क्लियर है, 0-0 कट जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 7/6 को कट कर लो यहाँ पे, या 7/5 35/6 सीधा कर लो, 6/5 30 है ना, 5 जाएगा 50, 8/6 48, 5.8। और क्योंकि आप नीचे बढ़ाए हो तो अगर ये छोटा तो ये वैल्यू और ऊपर जानी चाहिए, थोड़ा और ऊपर जाएगी तो किसके करीब आएगी 6 के करीब आएगी, 6 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कैलकुलेशन सही से ना हो तो आप अप्रोक्सीमेशन मान लो और उससे आप उत्तर लगा लो, और वो भी वही चाहता है कि अप्रोक्सीमेट में आप वैल्यू निकालो ताकि आपका काम आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। घी का दाम 32% बढ़ जाने से एक परिवार ने उसके उपयोग को इतना कम कर दिया ताकि परिवार के कुल व्यय पर मात्र 10% का फर्क आया। यदि दाम बढ़ने के पूर्व घी का कुल उपयोग 10 किलोग्राम था तो उसका वर्तमान में उपयोग कितना है। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत थोड़ा लेवल उसको बढ़ाते जाएंगे और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, तो बस ऐसे ही समझिए कि हम लास्ट में अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो घी का दाम 35% बढ़ जाने से परिवार ने उसके उपयोग को कितना परसेंट कम कर दिया कि परिवार के कुल व्यय पर मात्र 10% का फर्क आया। ये 100 था, कितना बढ़ा 32, तो ये कितना हो गया 132, तो यहाँ से 132, यहाँ से 100, अंतर कितने का आया 32 का, कितने में 132 गुणे, लेकिन ये है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 10% की बात कर रहा है, तो 132 से आपको कहाँ जाना है, 132 से आपको 110 पे जाना है, वरना गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। अंतर कितने का 22 का, बटे कितना 132 गुणे कितना 100, 11 × 22 और 11 × 12, 12 × 11 132 होता ना, तो ये 1/6 यानी कि 100/6% का फर्क आएगा। अभी समझिए, इसने कहीं परसेंटेज पूछा ही नहीं, इसने नया कुछ पूछ लिया, नया क्या पूछ लिया, अब तो हमें इससे समझना पड़ेगा नया क्या पूछ ले रहा है। तो यदि दाम बढ़ने में पूर्व की कुल उपयोग 10 किलोग्राम था, मतलब जब दाम बढ़ा नहीं था तब 10 किलोग्राम था उपयोग, तो दाम बढ़ जाने पे कितना उपयोग हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, 100/6%। तो जाहिर सी बात है अगर पहले 10 यूज हो रहा था तो आप 10 का क्या कर लो, 100/6% निकाल लो, और प्रतिशत निकालने के लिए यहां पे क्या करोगे, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करोगे, तो 100/6 और ये 10 में से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3 यानी कि 1/2/3, 1.66 माइनस कर दो, किसमें से 10 में से, तो 10 में से 1.66 माइनस कर दोगे तो 8.33 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे,
ये घटा हुआ दाम है, इसे फ्रैक्शन में लिख लिया जाए तो ये 1/6 लिखा हुआ है भाई। 100% बटे 6% हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे और ये 100-100 कट कर देगा, कितना मतलब 1/6, मतलब कितना कम हो रहा है 1/6, मतलब पहले 6 था तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो 6 = 10, तो 5 = क्या 10/6 × 5 यानी कि 50/6 यानी कि 25/3 यानी कि 8 सही 1/3 किलोग्राम, प्रतिशत नहीं, ये किलोग्राम है, समझ में आ गया। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, यदि किसी सिलेंडर का व्यास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी सिलेंडर का व्यास 10% घटाया जाता है तो इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि कुल आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं पहले लगाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। देखिए, किसी यदि किसी सिलेंडर का व्यास 10% घटाया जाए, ये सिलेंडर है, व्यास मतलब क्या डायमीटर, डायमीटर कितना कम किया जा रहा है 10% कम कर दिया जा रहा है, तो अगर डायमीटर को 10% कम किया जा रहा है तो उसके आयतन की बात कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, अगर डायमीटर 10% कम हो रहा है तो इसका एरिया कितना कम होगा, 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 21%, यानी कि क्षेत्रफल 21% कम हो रहा है। तो पहले 100 था, अभी 10% कम किया जा रहा है ना, हाँ, 21 कम हो गया, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 79 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम, यहां पे घटाया नहीं, हमें बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ गड़बड़ हो जाएगा, यहां भी कम बोल कर रहा है वहां पे भी कर रहा है ना, बढ़ा रहा है, तो ये 10% अगर इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 121। पलट लेंगे, 121 से 100 अंतर कितने का, 21 का, बटे 121 × 100 निकाल लो, आपका उत्तर कितना आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लो, इसे 20 कर लो, इसे 120 कर लो, तो 1/6 आ जाएगा, यानी कि 100/6 यानी 16 के करीब जो वैल्यू होगी वही होगी, तो 16 के करीब यही वैल्यू आ रही है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, जब जब आपका ये कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाए ना, आप समझिए 21/121 को काटना होता ना तो बहुत टाइम ले जाते हैं, लेकिन 20/120 तो जल्दी से कट सकता है, तो हम उसके करीब वैल्यू निकल लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने ये क्या कर दिया, ये आखिर किए, वो नहीं समझ में आया, तो यही तो आपकी कल की क्लास है ना। जब आपको एकदम ना समझ में आए मेरे पढ़ाने के बाद, तब समझ जाओ कि क्लास खत्म हो गई और दूसरी क्लास में हमें कुछ और अच्छा सीखने को मिलना है। तो कल हम सीखेंगे x + y + xy/100 का प्रयोग, ये 2-dimensional फिगर में क्षेत्रफल की कुल वृद्धि बताता है, ठीक। तो यहां पर यह कौन सा था, 3-dimensional फिगर था, 3-dimensional में 3 dimensions आएंगे, 1 dimension तो एरिया हो गया और 1 dimension आपका क्या आएगा, हाइट हो जाएगा। तो एरिया हमें निकालने के लिए व्यास की मदद लेनी पड़ेगी और xy की मदद लेनी पड़ेगी, तब हमारा ये उत्तर आएगा। जब हम एरिया जान जाएंगे तो एरिया का अप्लाई करके फिर हम आयतन पे आएंगे। खैर, इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में और विधिवत समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपका इंतजार कर रहा है चॉकलेट क्वेश्चन। हमेशा की तरह फिर से आज आपके सामने चॉकलेट क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप नहीं लगा पाओगे, कन्फर्म बता रहा हूँ, नहीं लगा पाओगे। खैर, ये चैलेंजिंग है, अगर लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चॉकलेट क्वेश्चन एक चैलेंज होता है जिसका कॉन्सेप्ट पूरे क्लास पे डिपेंड होता है कि आप कितना सीखे हो और आप कितना होशियार हो। तो चॉकलेट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्गीय आधार पे वाले पिरामिड के आधार की भुजा 2/5 गुना बढ़ जाए तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि पिरामिड का आयतन मात्र 60% बढ़े। क्वेश्चन बहुत दमदार है, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, जैसे आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार रहता है। इसी के साथ ये क्लास हम बंद करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और भाई जब लाइक करोगे तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 499 वाला प्लान जरूर ले लो ताकि आपको प्रैक्टिस मिलती रहे। थोड़ा हमारे भी मदद करो, हम भी थोड़ा आपकी मदद करते रहेंगे, तो आप भी समझदार हो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।